क्रम में आप परशुराम का ये चित्र देख रहे हैं। आप समझ चुके होंगे कि मैं कहां पर बैठा हूं। मैं बैठा हूं आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी उनके साथ, कि आखिर इस संगठन के साथ में मिलकर जिस तरीके से आज ये तेज रफ्तार में दौड़ रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों के साथ और ब्राह्मणों के लिए चलने और फिरने वाले और उनके लिए काम करने वाले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से हम बातचीत करेंगे कि अब क्या सूबे में उस तरीके से ब्राह्मण जी रहा है जिस प्रकार से जीना चाहिए, और क्या उनकी आवाज को सुना जा रहा है जिस प्रकार से सुनना चाहिए, और जिस प्रकार से पीछे जो मुद्दे उठाते रहे हैं आरक्षण पर, उन सब पर हम बातचीत करेंगे। हालांकि इनकी जनसभाओं से और पीछे के कार्यक्रमों से को अगर आप नजर डालेंगे तो लगेगा कि इन दिनों फायर ब्रिगेड के रूप में बढ़ रहे हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। आइए हम बातचीत करते हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से कि आगे की क्या रणनीति है, और सारे ऐसे गंभीर सवाल जिसके उत्तर आप भी जानना चाहेंगे, और जानने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या ऐसा भी है क्या। बस थोड़ी देर कार्यक्रम में एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज के ऑनलाइन न्यूज चैनल के इस खास कार्यक्रम से थी बात, तो सच के साथ में मैं हाजिर हूं सचिन दीक्षित आपके साथ में। बातचीत करेंगे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से उनके अब तक के इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के साथ में पदार्पण काम, और अब तक के अब तक जो तेज रफ्तार में दौड़ रहे हमारे साथ उपस्थित हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। आइए हम बातचीत करें। होता क्या है कि इन दिनों जिस प्रकार से सूबे की सरकार, क्योंकि सवर्णों की सरकार मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के योगी मुख्यमंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है जिस प्रकार से जिन उम्मीदों के साथ ब्राह्मणों ने वोट दिया था, क्योंकि आप ब्राह्मणों के अगुवा माने जाते हैं इस संगठन के माध्यम से, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। हालांकि जातिगत धर्मगत पत्रकार के लिहाज से सवाल करना ठीक नहीं रहता, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या ब्राह्मणों के हित के काम के, जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने वोट देकर सरकार बनाई थी उस प्रकार से काम हो रहा है उनके हित के लिए, जिस तरीके से उम्मीदें थी, जिस तरह की उनकी आकांक्षाएं थी, क्या पूरी हो पा रही? पहले तो आपको ये बता दें कि आपने ये कहा है कि जातिगत जी, तो ब्राह्मण जात नहीं विचारधारा है। अच्छा अच्छा, ब्राह्मण राष्ट्र और समाज के लिए जीता है, इतिहास भरा पड़ा है ब्राह्मणों के त्याग से, बलिदान से, राष्ट्र और समाज के लिए। उसने दलित को समाज में, दलित के पूजने की व्यवस्था किया, पिछड़े की पूजने की व्यवस्था किया, समाज की एकजुटता को लेकर के चलने का काम ब्राह्मण ने किया। उसने पूजा सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए जा और पूजवाया लोगों से। अब आरोप लगता है कि ब्राह्मण ने, कि आज फैशन चल गया है ब्राह्मण को गाली देने का, कि ब्राह्मण को गाली दे करके देश में चर्चित हो जाओ, नेता हो जाओ। रह गई बात जहां तक की भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश में बहुमत की सरकार दिलाया, एक भी प्रतिशत यह सरकार ब्राह्मणों के लिए खरा नहीं उतरी है। जिस हिंदुत्व का नारा देकर के केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं आपको बता दूं कि हिंदुत्व का प्राण है, आत्मा है ब्राह्मण, शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो मिट्टी हो जाती है। उसी तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बदले की भावना से ब्राह्मणों की हत्या, उत्पीड़न, तिरस्कार, बदले की भावना से कर कौन सरकार रही है, तो ये तो करने, जो बदले की भावना से आप कह रहे हैं सरकार, तो हत्याएं करा नहीं रही। नहीं 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 नहीं, वो कराए ना कराए संरक्षण देने में कर रहा हूँ। पांच पांच हत्या हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ऊंचाहार में, और इस सरकार का कोई प्रतिनिधि जाता नहीं है और नहीं कहता है कि वो हत्यारे थे, जबकि 151 का मुकदमा मारे गए लोगों पर नहीं था। ऊंचाहार की जो बात कर रहा है, उसमें ब्रजेश पाठक ने खुद स्टेटमेंट दिया था उनके संरक्षण की बात, और उनको न्याय मिलेगा इस बात को उसी भाजपा का सरकार का कैबिनेट मंत्री कहता है कि वो अपराधी थे, वो सिद्ध करते कि वो जो मारे गए थे वो अपराधी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं, उन्होंने उसको अपराधी सिद्ध किया जबकि 151 का मुकदमा नहीं था उन लोगों पर। दूसरी चीज कि कौन गया वहां, भारतीय जनता पार्टी का कौन मंत्री, कौन नेता गया उन पांचों विधवाओं को देखने। दूसरी चीज अभी देखिए कि आप तो विभूति कांड में दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई, देवरिया के लड़के का, दुर्गेश तिवारी का। देवरिया में दो भाजपा के ब्राह्मण विधायक हैं, एक सपा का ब्राह्मण विधायक है, वहां के कलराज मिश्र जी सांसद हैं। आज 12-13 दिन हो गया उसकी हत्या हुए, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, दो माँ विधवा, पत्नी विधवा, उसका क्रियाकर्म गांव के लोग किए हैं, और कोई पूछने नहीं गया क्या ब्राह्मण होना पाप है।
क्या ब्राह्मण इस भाजपा का अंग नहीं है? ब्राह्मण भाजपा वोट नहीं दिया है? मिलाकर बात यह है कि जिस प्रकार से जिन उम्मीदों के साथ में सरकार को ब्राह्मणों ने वोट दिया था वो पूरी नहीं हो पाई। पूरी नहीं, एकदम नहीं, उसके और नहीं, बदले में उनका तिरस्कार, उत्पीड़न, उनके हितों की वकालत नहीं हुई, ब्राह्मण पीटा जा रहा है, ब्राह्मण की समस्याओं की वकालत करने वाला कोई नहीं है सड़क से लेकर सदन तक। आप बताइए उस घटना को लेकर के विधानसभा में विपक्ष का नेता वकालत कर सकता है? क्या विपक्ष में ब्राह्मण नेता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण नेता नहीं है? ब्राह्मणों के पक्ष को वो चौधरी साहब प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन आपकी जब आप जिस तरह से ये उत्तर दे रहे हैं, चलो ठीक बात मान लेते हैं कि ये सारे आपके तर्क उस लिहाज से ठीक है, दर्द है तो आप व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी आता है कि जब आरक्षण की बात आप करते हैं, आप एक लाइन पर चलिए ना, ब्राह्मणों के सम्मान की बातें तो कही, या तो उनकी हत्याएं जो हो रही है, उनके अत्याचार जो हो रहा है, जो उनकी बात, जो तर्क आप दे रहे हैं उसकी आप बात करिए, आप बीच बीच में आरक्षण कहां ले आते हैं? नहीं, आरक्षण इसलिए ला रहे हैं, आरक्षण इस देश की प्रतिभाओं का वध कर रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ब्राह्मण के उत्पीड़न की बात इसलिए करता हूं कि जो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सिद्धांत के तहत कार्य कर रहा है, उसको जाति में आप बांध रहे हैं या ये लोग बांध रहे हैं। हम जातिवादी नहीं ना, मैं पहले कहा ब्राह्मण जात नहीं विचारधारा है, इसके तहत हम राष्ट्र और समाज के सभी जातियों के, राष्ट्र के कल्याण के लिए, सभी जातियों के कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ। और इतनी इस तरह की सोच रखने वाले ब्राह्मण का गला काटा जा रहा है, उसकी वकालत कोई करने वाला नहीं, बदले की भावना से गालियां दी जा रही, प्रताड़ना किया जा रहा है, ये कष्ट का विषय। फिर मैं उस पर आता हूँ, ब्राह्मणों के आरक्षण, आप ये आरक्षण शब्द पर आप ब्राह्मणों की वकालत करें कि उस लाइन पर चल रहे हैं तो एक लाइन हो, देखिए आरक्षण चला जाए, आरक्षण मिट जाए, कुछ और आ जाए, इस पर क्या बात? मैं न आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ, न आरक्षण का समर्थन कर न मांग रहा हूँ, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, और मैं आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ, आरक्षण के विकृत रूप का विरोधी हूँ। मेरा कहना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, आर्थिक आधार पर होने से देश और समाज से जातीयता का जहर खत्म होगा, जो आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, बड़े लोग ले रहे हैं, उस पर रुकावट होगा, और हर वर्ग के गरीब लोगों को, हर जातियों के गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आरक्षण माने सरकारी सुविधा, सरकारी सुविधा किसको दी जानी चाहिए? जो असहाय हो, जो पात्र हो इसके लिए, जो कमजोर हो, गरीब हो, उसको आप सरकारी सहायता दीजिए। आप जरा सवाल जरा पीछे के इतिहास में नजर डालिए तो ब्राह्मणों के साथ बैठना भी उचित नहीं करते थे, अगर हम जिनको आरक्षण इस समय मिलता है वो उन लोगों के साथ जो होता था पहले, उनको बिठाना, उनके साथ बातचीत करना, उनको उनके साथ खाना परोसना, ये सब बहुत उनके साथ, इसलिए उनको दलित कहा जा रहा था। आज उनको जब आरक्षण मिल रहा है तो उसका विरोध क्यों करते? नहीं नहीं नहीं, मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो पात्र है, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो गरीबी के दंश झेल रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, रिक्शा चालक कर रहे हैं, चाहे वो दलित का बेटा हो या पिछड़े का बेटा हो, चाहे अपर कास्ट का बेटा हो, जो इस बदहाल स्थिति में है आरक्षण उसको दिया जाए। और जात के नाम पर मायावती के रिश्तेदार, मायावती जैसे लोगों को मिलेगा, रामविलास पासवान जैसे लोगों को आरक्षण मिलेगा, मीरा कुमार जैसे लोगों को मिलेगा, हमारे महामहिम कोविंद जी हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, इनके जैसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, ये तो दुरुपयोग है ना। वो गाँव के मजदूर किसान को मिले ना, दलित के बेटे को, मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य आपका यह है कि आरक्षण देने का तरीका बदलना चाहिए। वही कहा कि आरक्षण के विकृत रूप में सुधार हो, हम आरक्षण का कहां विरोध करते हैं? एक चीज और, अभी इन दिनों जिस तरह से आपने घटनाएं गिनाई, जिस तरह से बातें गिनाई कि आरक्षण, और उसके पहले आपने गिनाया कि हत्याएं हुई, इसको लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन कम नजर आते हैं आपके, जनसभा ज्यादा नजर आती है? नहीं, आंदोलन भी करता हूँ, विधानसभा में घेरा, अभी तीन दिन पहले देवरिया वाले कांड को लेकर के डीएम का घेराव किया हूँ। हमारा संगठन पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो किसी जाति धर्म पर, मैं पीड़ित मानवता का रक्षक हूँ, मैं, मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मेरे मनीषियों ने, पूर्वजों ने सिद्धांत दिया वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का। मैं कभी, संगठन भी हमारा बहुत जाति आधारित कार्य प्रश्न नहीं देता हूँ, चूंकि जिसने पूरे राष्ट्र और समाज के लिए कार्य किया, आज वह अकेला पड़ा हुआ है चौराहे पर, शून्य बन करके खड़ा हुआ, उसका आंसू पोछने वाला कोई नहीं है, तो मैं पहले उनको देखूंगा। अच्छा, उसके बाद समाज के पीड़ितों की बात करता हूँ। अच्छी बात है, जिस तरह से आप बताया है आपने, आपने अभी आपने हाल ही में देवरिया में आपने जी डीएम का घेराव किया, क्या आगे चलकर क्या आप मानते हैं कि इस तरह के घेराव से, इन आंदोलनों से, इन प्रदर्शनों से सरकार जागेगी और बात आपकी सुनी जाएगी? अगर नहीं सुनी जाएगी, सुनी जाएगी, एक बात प्रश्न ये, क्या सुनी जाएगी? अगर नहीं सुनी जाएगी तो क्या? मैं सुनाऊंगा, ये सोए हैं तो जगाऊंगा, जो भी हो,
हम अपने आक्रोश को अपनी बातों को सरकार के कानों तक ले जाएंगे। आगे कोई प्लान है आपका इसका? अगर ये नहीं करते हैं तो उपचुनाव में गोरखपुर और फूलपुर में, ये गर्व के साथ कहता हूँ कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के कार्यकर्ताओं की देन है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हुई है। हमने खुला आह्वान किया था कि हमारा प्रत्याशी नोटा है, आप नोटा को वोट करिए, वोट का बहिष्कार करिए। आप कहते हैं कि आपने आपका नतीजा है, आपके परिश्रम का नतीजा है कि भाजपा हारी है, सपा बसपा कहती है उसके परिश्रम का नतीजा है, उसका गठबंधन है जिसकी वजह से वो हारी है, आखिर ये पीछे है कौन इसके? मैं कहता हूँ नोटा का वोट किसका है? नोटा का वोट सपा बसपा का है? नहीं वो तो नहीं, जो बहिष्कार हुआ है, जो जय प्रतिशत वोट कम हुआ है वो सपा बसपा का है? नहीं है। किसका है? वो भाजपा का वोट है। जो नोटा में गया वो भी माना जाए तो भाजपा का है, जो वोट प्रतिशत कम हुआ है वो ये आरक्षण विरोधियों का है, अपर कास्ट का है। ये तो खैर आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह स्वीकार करें कि वो भाजपा का वोट था जो नोटा में दबा है। बात ये भी हो सकती है कि वहां के लोग जो अपनी विचारधारा से उनको लगा हो कि उनकी विचारधारा का प्रत्याशी ना 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 स्पष्ट है ना, आरक्षण से पीड़ित वर्गों का ये वोट है अप्रकाश का। ऐसा कोई माहौल भी नहीं था वहाँ पर? नहीं माहौल था, हमारी 18 टीमें काम कर रही थी। अच्छा, गुप्त तरीके से हम 15 दिन से लगे हुए थे। इस तरीके से आप गुप्त तरीके से काम करते हैं, आगे जारी रहेगा? यानी 2019 के चुनाव में 2019 में बड़ी मजबूती स्थिति से हम इनको जवाब देंगे। आरक्षण समर्थक जो भी दल है, जो भी ब्राह्मण द्रोही दल और नेता है उनको या संगठन, चूंकि आपके हिसाब से कौन सा दल है जो आरक्षण विरोधी? आरक्षण का कोई विरोध नहीं कर रहा है। आरक्षण पक्षधार कौन सा है आपके हिसाब से? सारे दल आरक्षण का पक्ष ले रहे हैं। तो आप जाएंगे किसके साथ? हम वही तो कह रहे हैं, विकल्प नहीं मिला, हम नोटा में गए, नोटा को अपना प्रत्याशी बनाए। हम ये विरोध इसलिए किए हैं कि हमारा भी वोट है, आरक्षण विरोधियों का भी वोट है। अगर यह चाहिए तो आप आरक्षण के विकृत रूप में सुधार पर सदन में चर्चा कराइए। सरकार जब अभी 2017 के चुनाव थे उससे पहले आपने बसपा का साथ दिया था, अब आप देखिए अब क्या आगे चलकर फिर से बसपा का साथ या महागठबंधन के साथ हो जाएंगे? जहां से भी आरक्षण विरोधियों को न्याय मिलेगा वो मुस्लिम लीग होगा। अगर आरक्षण विरोधियों का साथ देगा और हमारी वकालत करेगा, हम सभी लोग उसे समर्थन करेंगे, जो भी हमारा साथ देगा। हमारे नौजवानों का बल हो रहा है, उनके भविष्य की किसी को चिंता नहीं है, तो जो हमारे चोट पर मरहम लगाएगा हम उसे करीब लाएंगे। मान लेते हैं कि आप चले गए महागठबंधन के साथ, तो क्यों चले जाएंगे महागठबंधन के साथ? महागठबंधन लिया है ना कि हम आरक्षण के विकृत रूप में सुधार लाते हैं, हम खुलेआम आएंगे। ये बात आपकी अभी फिलहाल कोई मानने को तैयार है? कौन माने ना माने, हम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, मानना न मानना अगले की बात है। आने वाले समय में क्या ताकत का प्रदर्शन किसी विकराल रूप में होगा? 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे आराध्य भगवान परशुराम की जयंती को के सार्वजनिक अवकाश को रद्द किया था। पिछले साल हमने आक्रोश जताया था कि भगवान परशुराम की जयंती क्यों खत्म की गई? वो अवतारी पुरुष थे, विष्णु के छठे अवतार हैं। अगर वो छुट्टी रद्द की गई तो कृष्ण जन्माष्टमी को भी रद्द किया जाए, रामनवमी की भी छुट्टी रद्द किया जाए, गांधी जयंती की छुट्टी रद्द किया जाए, अंबेडकर की छुट्टी रद्द किया जाए। अब भगवान को महापुरुषों की लाइन में लाकर क्या खड़ा के लिए? एक तो अपमान किया आपने, दूसरी चीज अगर उनका अपमान किया सम्मान किया तो आपका विषय है, छुट्टी रद्द करिए बाहर के यार। लेकिन इस बात को लेकर के प्रदेश और देश के विशाल ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश रहा है और जिसको लेकर के हर जिलों में आंदोलन भी हुआ। अब की बार 18 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती पर कम से कम 50,000 हमारे कार्यकर्ता लखनऊ कार्यालय से कूच करेंगे, पैदल मार्च, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन देंगे कि छुट्टी बहाल की जाए। इसमें एक सवाल, जिस तरीके से क्या आपको लगता है कि किसी भी एक विषय को लेकर प्रदेश सरकार पर या देश की सरकार पर या सरकार, हम थोड़ा सा सरकार भी हटा लें, तो क्या ऐसे विषयों को उठाना जरूरी है जो विषय विकास से ताल्लुक कम रखते हो, जो विषय शिक्षा से ताल्लुक कम रखते हो, जो विषय रोजगार से ताल्लुक कम रखते हो, जो विषय आधारभूत नींव को मजबूत करने वाले कम हो, ऐसे विषयों को लेकर जाना जरूरी है?
राजनैतिक दलों की एक गहरी साजिश है ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों को दलित बनाने का, अल्पसंख्यक बनाने का, इनको प्रताड़ित करने का एक फैशन है। ऐसा एक बता दीजिए योजना जिसमें ऐसा कर रही है सरकार, चाहे पीछे की सरकार हो चाहे तो एक आप योजना बना दीजिए जो इनके विकास के लिए सरकार की हो। एक एक बता दीजिए। आप देखिए अखिलेश ने एक्सप्रेस वे बनाया, क्या किया एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, कई जगह सोलर लाइटों का काम होने चाहिए। अखिलेश के ही जमाने में जिस समाज का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ इटावा में संतोषपुरा में 11 घर के ब्राह्मणों को निर्वस्त्र करके मारा गया था और उनको जूते की माला डाल के मुंह पे काली पोत करके घुमाया गया था। क्या किया अखिलेश सरकार ने? सवाल यहाँ पर ये उठता है क्या मैं उसके लिए धरना प्रदर्शन किया था, लड़ाई लड़ा था? नहीं, आपने किया था, आपने तो कई बार की आंदोलनों की लिस्ट आपकी निकाली जाए तो बहुत लंबी है। जी जी, बात तो ठीक है जी। लेकिन क्या आपको लगता है जब दलित का बेटा नरवस्त्र करके मारा जाता तो क्या भारत का संविधान सभा का इस तरह का अन्याय किसी भी जात के साथ हो रहा हो तब आपका मैं उसका विरोधी हूँ? तब आपका आंदोलन नहीं आता? मैं बिल्कुल करता हूँ। अभी इटावा के लड़के को, एक महिला को क्या नाम है, तेजाब से जला करके आहत किया गया था। एक छत्री के बेटे को, माँ को कैंसर हो गया था। 151,000 का चेक एक को, 151,000 का चेक एक को पिछले साल संगठन की तरफ से औरैया में दिया गया था। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है अंजलि तिवारी जी, उनके कार्यकाल में। ऐसी बात नहीं है, हम पीड़ित मानवता की रक्षा में हर जगह काम करते हैं। चूंकि ब्राह्मण महासभा के बैनर थे, हम ये भी बोल कर आते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, हम ये भी सीख देते हैं लोगों। हम लेकिन दुखद बात यह है कि जिसे अपना समझा वही आस्तीन का सर्प निकला। ये बातें बहुत आ रही है इस समय। कई संगठन बने हैं, चाहे कुशवाहा समाज के हो, छत्री समाज के हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, चाहे वो पासी समाज के हो। संगठनों का निर्माण क्या राष्ट्र के उस नींव को धराशायी करने वाला नहीं है जिसे हम अखंडता कहते हैं? ऐसा है, संगठन कोई हो, संगठन का उद्देश्य है, पहली बात कि संगठन की परिभाषा है कि संग चलने की हम संकल्प ले रहे हैं, ठान ले, वो संगठन हुआ। संगठन हमेशा रचनात्मक दिशा में होता है। मैं चाहता हूँ सभी जातियों का संगठन हो जाए, गरीब जरूरतमंद की मदद होती रहे, संगठन इसीलिए बनाया जाए। संगठन युद्ध करने के लिए बेवजह, लेकिन अगर विखंडन वाले हो तो, अगर ब्राह्मण एक तरफ भागे, कुशवाहा एक तरफ भागे, पासी एक तरफ भागे, क्षत्रिय एक तरफ भागे, मुस्लिम एक तरफ भागे, जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, जब घर का मुखिया समदर्शी नहीं होगा तो विपरीत दिशाओं में लोग कई दिशाओं में चले जाते हैं। चलिए घर के आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के तरफ से, क्योंकि आपको यूपी रत्न भी कहा जाता है, क्या आगे का, क्योंकि आपने बताया कि आप 18 को आप कुछ करेंगे, उसके अलावा ये बिंदु जिन बिंदुओं पर आप काम करना चाहते हैं वो कौन से? इसे देखिए, हम हमेशा समाज और राष्ट्र के निमित्त हमारे संगठन की स्पष्ट सोच है। जाति धर्म के आधार पर हम न कार्य के पक्षधर है, न ये उन मार्ग फैलाने वाले हम लोग हैं। मैं कहा ना कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, इस पर मुझे गर्व है। हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे होम सुखना के सिद्धांत पर चल रहे हैं, इसलिए मुझे गर्व है। हम जातिवादी कभी हो नहीं सकते। ब्राह्मण अगर जातिवादी हो जाएगा ना तो धरा भ्रष्ट हो जाएगी, राष्ट्र भ्रष्ट हो जाएगा, और यह ब्राह्मण को करना भी नहीं चाहिए। हम जो संगठन बना करके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए दलित आयोग है, पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, ये हमारा देश है, हमारे समाज के लोगों ने जान दे करके इस देश को आजाद कराया। सवर्ण आयोग क्यों नहीं हो जाता, क्यों नहीं बनती? यह बनाना चाहते हैं, यह आपका उद्देश्य? मेरी मांग है। अब हरिजन एक्ट लगेगा, इसका कितना बड़ा दुरुपयोग हुआ है आप देख रहे हैं। थानों में निर्दोष प्रकाष्ठ के लोगों को शोषण किया गया, एप्लीकेशन दिया 10,000-5,000, वही हाल इनके में भी है। तो भारतीय जनता पार्टी मिलाकर ऐसे आयोग, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप थानों पर जाइए, एकदम खुली नीलामी हो रही है। आप कौन सा अपराध करना चाहते हैं उसका रेट बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आप मकान कब्जा करना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं, कि लूट करना चाहते हैं, कि किसी की जमीन कब्जा करना चाहते हैं, अरे कहते हैं कानून कोई सबूत है? अरे 200 सबूत है। आप मेरे साथ चलिए, आप ये कैमरा रख करके किसी थाने में चलता हूं, कोई घटना होती है, चलिए आप देखिए, कहां नहीं है, अपराध रोक रहे हैं। भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है, चाहे तहसील चले जाइए, चाहे ब्लॉक चले जाइए, उसका भी रेट खुला हुआ है, कहां रुका हुआ है? यानी कहीं ना कहीं इन सब के विरोध में आगे भारी आक्रोश है मान्यवर, पूरे प्रदेश में। मैं तो सारे जिलों में जा रहा हूं, देख रहा हूं, और इस आक्रोश का शिकार 2019 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को काफी धोखा दिया है हमारे समाज के लोगों को, इससे आत है।
इन सब बातों से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग उसे एक बात तो स्पष्ट हो कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की अगुवाई में ब्राह्मण आक्रोशित है और उसका विषय भी साफ कि जिस प्रकार से हत्याएं हुई उन हत्याओं पर जिस तरह से विश्लेषण किया है राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने, उसको उस पर सरकार को सोचना चाहिए। खैर आज के लिए इतना ही, सारी बातें आप समझ चुके होंगे। आगे फिर कल मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ इस सीधी बात के कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही। कैमरा मैन उदेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड न्यूज़।